मंसूर लाल शाह माता मंदिर पर नवरात्रि के पहले दिन सुबह 5:28 पर हुई घट स्थापना, विद्युत सज्जा, टेंट लगाकर मंदिर परिसर को सजाने का काम किया समिति द्वारा। कोविड-19 का भी कराया जा रहा है पालन, बिना मास्क वालों को मंदिर परिसर में नहीं दिया जाएगा प्रवेश। कोरोना की बीमारी खत्म हो उसको लेकर भी भक्तों सहित पुजारी द्वारा माता रानी से प्रार्थना की है। कोरोना के कारण होने वाले कार्यक्रमों को नहीं किया जाएगा। मंदिर परिसर में पुजारी संजय शर्मा द्वारा बताया गया है, मंसूर लालछा माता मंदिर पर नवरात्रि के पहले दिन आज घट स्थापना लालछा माता मंदिर पर हुई है। सुबह 5:28 पर पुजारी संजय शर्मा द्वारा बताया गया कि कोविड-19 का पालन करते हुए भक्तों को मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है और जो भी भक्त माँ लालछा के दरबार में आ रहे हैं उनसे अपील की जा रही है मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंस का पालन करें। और रंग बिरंगे गोले जो समिति द्वारा बनाए गए हैं उसमें भक्तों को खड़ा कर माता रानी के दर्शन कराए जा रहे हैं, क्योंकि लगातार तेजी से मंदसौर जिले में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। उसी को देखते हुए कलेक्टर मनोज पुष्प के निर्देश के बाद भी लालछा माता मंदिर पर भी सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है और कोविड-19 का पालन कराया जा रहा है। और यहां पर सुरक्षा व्यवस्था का पालन कराने के लिए 2 पटवारियों को भी तैनात किया गया है। पंडित संजय शर्मा द्वारा बताया गया कि माँ लालछा माता से प्रार्थना की गई है कि कोरोना जैसी गंभीर बीमारी जो चल रही है वह विश्व से खत्म हो जाए। पंडित द्वारा कहा गया कि भक्तों को यहां पर मंदिर परिसर में ज्यादा देर खड़ा नहीं होने दिया जा रहा है और जो नववर्ष आया है इसमें माता रानी सभी को कोरोना मुक्त करे, यह प्रार्थना माता रानी से की जा रही है। जय माता जी। लालछा माता मंदिर पर चैत्र नवरात्रा महोत्सव आज घट स्थापना से प्रारंभ हो चुका है। आज एकम मनाई गई है और कोविड को देखते हुए सभी दर्शनार्थियों को मास्क लगाकर आना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए और बीमारी को ध्यान में रखते हुए सबको अपनी सेफ्टी रख के आना है और माता के दर्शन करके जाना है। सारों किसी को भी दर्शनार्थी को ज़्यादा देर यहाँ मंदिर पर रुकना अलाउ नहीं है। अभी आइए, दर्शन करिए, 2 मिनट ध्यान करिए और चलते जाइए। माता रानी से क्या प्रार्थना की जा रही है? माता रानी से यही प्रार्थना की जा रही है कि नवरात्रा क्षेत्र नवरात्रा प्रारंभ हो चुका है और वर्ष प्रारंभ होते ही के नव वर्ष की सबको शुभकामनाएं और ये जो नव वर्ष आया है यह कोरोना से विश्व को मुक्त करे और माता रानी इस बीमारी को खत्म करे, यही माता रानी से प्रार्थना है। क्या क्या कार्यक्रम होंगे पंडित जी यहाँ पर? नवरात्रा विशेष में यहाँ पर 17 तारीख पंचमी के दिन श्रृंगार होगा माता जी का। अष्टमी नवमी को जागरण वगैरह होते थे मगर कोविड की व्यवस्था को देखते हुए सारी चीज़ें निरस्त है। माता जी का हवन वगैरह भी होगा मगर सब कोविड के नियमों को देखते हुए माता जी के मंदिर पुजारी और समिति वाले मिलकर ही करेंगे। दर्शनार्थियों का भीड़ को इकट्ठा नहीं करना है। जय माता जी। क्या सुनना है आपका? पंडित संजय सर। थैंक यू।